हेलो फ्रेंड, वेलकम टू निजुक्त ओडिशा यूट्यूब चैनल। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ बहुत गुड़े पोस्ट रो वैकेंसी बाहरी। यही पोस्ट को आप केबेठो अप्लाई करि परबे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही, एग्जाम पैटर्न आप केमती रहिबो, एही विषय में आपन को संपूर्ण सूचना देबी। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआ अछन्ते, ए चैनल को सब्सक्राइब कर निंतु और बेल आइकन प्रेस करबा को भूलंतु नै। चलंतु ए पोस्ट विषय डिटेल से जानिबा। फ्रेंड, ये जो देखुंत e-niyukti.in निजुक्ति ओडिशार ऑफिशियल फिल्ड रही है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी, डायरेक्ट क्लिक करेंगे अपना सब स्टेप पहुंची पारे। नजर आप गूगल में सर्च करेंगे e-niyukti.in, जो वेबसाइट आप प्रथम आसोटे क्लिक करें पोस्ट में पहुंच पारे। ये अपने शो कर ओपीएससी मेडिकल ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन शो कर पोस्ट को अप्लाई करने कौन कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रही है, डिटेल्स आप चेकआउट करेंगे। एज लिमिट, एप्लीकेशन फी, को पोस्ट पे केते वैकेंसी रही है, अनरिजर्व एससीबीसी एसटी पे केते वैकेंसी रही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन दरकार, मेथड ऑफ सिलेक्शन, एग्जाम पैटर्न डिटेल्स दे आप चेकआउट करेंगे। ये आप रही है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आर पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक कला पेजटा आप डाउनलोड हो लिखे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन एडवर्टाइजमेंट नंबर जो आप रही है 14 of 2023-24 आप रही। रिक्रुटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर इन ग्रुप ए जूनियर ब्रांच ऑफ ओडिशा मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस कैडर अंडर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। आपंकर मेडिकल ऑफिसर ग्रुप ए पोस्ट आप वैकेंसी रही। पोस्ट जो ऑनलाइन अप्लाई जो स्टार्ट हम 18/8/2023 स्टार्ट हम, लास्ट डेट रहा 18/9/2023 जाए रही। जेपे आर ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो चैनल आपको डिटेल्स वीडियो मिल जाए, स्टेप बाय स्टेप आप पोस्ट को कमी अप्लाई करेंगे डिटेल्स वीडियो मिल जाए। ए चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब करनी। आप जो पे स्केल रे 56 आप पे स्केल रहिबो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो वैकेंसी रही 7276 पोस्ट वैकेंसी रही, ताधर 2425 वुमेन्स रिजर्व रही। अनरिजर्व सेमती आप 25 पोस्ट रही, एससीबीसी 714 रही, एससी 1517 पोस्ट रही, एसटी 2465 पोस्ट वैकेंसी रही। आप पीरियड कैटेगरी पे वैकेंसी रही, आप चेकआउट करेंगे। एज लिमिट रखाई, एज लिमिट आप 21-38 वर्ष भितर आप एज लिमिट रखाई। एज लिमिट जो काउंट हम 1 January 2023 आप एज लिमिट काउंट हम। आप जन्म होता दरकार 2 January 1985 1 January 2002 भितर आप जन्म होता दरकार। जदि आप एससी एसटी एससीबीसी आउ आप एक्स सर्विसन कि वुमेन्स कैंडिडेट होते आप 5 वर्ष एज इलेक्शन मिल जाए। जदि आप पीडब्ल्यू कैटेगरी होते हैं आप 10 वर्ष एज इलेक्शन मिल जाए। यही पोस्ट को अप्लाई करने जहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दरकार आप कैंडिडेट मस्ट हाव पोजेस्ट एमबीबीएस और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम ए मेडिकल कॉलेज और मेडिकल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। आप एमबीबीएस कर दरकार ना तई एमबीबीएस को इक्विवेलेंट कर डिग्री आप दरकार। हाव पोजेस्ट ए वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर द ओडिशा मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961। आप वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट थबार दरकार, जो ओडिशा मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट रे आप रजिस्ट्रेशन करथबा दरकार। हाव पोजेस्ट द रिक्वायर्ड कन्वर्सन सर्टिफिकेट रिकग्नाइज बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई इन केस ऑफ कैंडिडेट हैविंग डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन कंट्रीज। आप बाहर कंट्री आप डिग्री धरते एमबीबीएस आप कन्वर्सन सर्टिफिकेट आप दरकार। पोस्ट को अप्लाई करने आप एग्जामिनेशन फी आप रखा है, आप फ्री ए पोस्ट को अप्लाई करेंगे। मेथड ऑफ सिलेक्शन रहा रिटन टेस्ट द्वारा आप सिलेक्शन हो रिटन टेस्ट में आप वन पेपर रोज आप 200 मार्क आप एग्जाम हो गोटे क्वेश्चन ठीक कले गोटे मार्क मिल दुईटा क्वेश्चन आप 200 मार्क आप रखाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप एग्जाम पैटर्न रन घंटा टाइम ड्यूरेशन आप दिखाई से आप नेगेटिव मार्किंग रखा जाए जी आप किसी भूल करते आप किसी नेगेटिव मार्किंग रखा जाए ना। सिलेबस शैल बी एज पर द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई सिलेबस फॉर एमबीबीएस कोर्स। जहाँ आप एमबीबीएस कोर्स सिलेबस था से सिलेबस अनुसार आप क्वेश्चन आसो सिलेबस आप सब्जेक्ट को कैसे क्वेश्चन आसो एनेक्सर ए रे आप चेकआउट करेंगे। आप एग्जामिनेशन सेंटर रहा तो रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड एट कटक और भुवनेश्वर। आपंकर कटक भुवनेश्वर से आपंकर एग्जामिनेशन सेंटर रहा। अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन देखिए आप चेकआउट करेंगे। इंपोर्टेंट पॉइंट्स सब रही है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप चेकआउट करेंगे। सर्टिफिकेट सब आप कौन कौन जब आप डॉक्यूमेंटेशन जी सर्टिफिकेट कौन कौन सब आप डिटेल सर्टिफिकेट आप चेकआउट करेंगे। ये जो पीडीएफ देखते हैं पीडीएफ आप इनिजुक्ति.in साइट विजिट करके आप डाउनलोड करेंगे, ना ओपीएस साइट आप विजिट करके पीडीएफ डाउनलोड
करेंगे। ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन आप एप्लीकेशन कौन पे रिजेक्शन हो जाए ये आप रिजेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ देती है भूल आप करेंगे नहीं आप एप्लीकेशन रिजेक्ट होता डिटेल्स देती हाउ टू अप्लाई आपको देती केमी आप्लाय करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दे देती आपको यदि टी टेक्निकल प्रोब्लेम आप फेस करते हैं अनलाइन अप्लाई टाइम कि रजिस्ट्रेशन टाइम ये आपको हेल्पलाइन नंबर देती है नंबर आप कंटाक्ट करेंगे जे बार अनलाइन लिंक एक्टिव हो चैनल आपको डिटेल्स भिड मिल जाए आप स्टेप बाय स्टेप केमी आप पोस्ट को अप्लाय करेंगे। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन आपकी ये आप 200 क्वेश्चन आसो 200 मार्क एमसीक्यू पैटर्न आप रोज तीन घंटा टाइम ड्यूरेशन दिया सब्जेक्ट आप सब यही सब आपकी आप क्वेश्चन आसो एनाटॉमी आप 5 मार्क रोज बायो केमिस्ट्री 10 मार्क फार्माकोलॉजी 10 मार्क ये आप सब्जेक्ट सब डिसिप्लिन देखिए आपकी आप मार्क क्वेश्चन आसो ट्वेल्व जो आप रही दुईटा क्वेश्चन 200 मार्क आप एग्जाम हो आउ जहाँ जहाँ सब इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन होती भल भाव आप चेकआउट करेंगे एपीडीएफ डाउनलोड कर भल भाव सब रीड आउट करेंगे। ओडिशा पब्लिक सर्विस कमिशन तरफ मेडिकल ऑफिसर पोस्ट और वैकेंसी विषय में आपको संपूर्ण सूचना दे सारी जदि आप मन में किसी डाउट अच्छी कमेंट सेक्शन में पचारत यह भिडियो आप भल लगी भिडियो को लाइक करूँ आप फ्रेंड मैं सेयार करूँ ए चैनल को सब्सक्राइब करा भूलु धन्यवाद।